बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर का मलाई हलवा। तो जिसके लिए हम बिल्कुल खोया नहीं यूज़ करेंगे, मलाई यूज़ करेंगे। तो चलें इसको बना। सबसे पहले देखें, मैंने कद्दूकश करके 2 किलो गाजर ली है और उसको मीडियम लो फ्लेम पर रख दिया। तो ये देखें, हल्का हल्का सा धुआं उड़ रहा है इससे। अब आपने क्या करना है, 2 कप चीनी इसके ऊपर फैला दें और इसको मिक्स नहीं करना। अब इसमें पानी और दूध बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको ऊपर से कवर कर दें और इसको 10 से 15 मिनट तक, जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती, आप इसको पकाएं। इस प्रोसीजर से शुगर गाजर को ज़्यादा नरम करेगी। तो चलें 10 मिनट। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, चीनी अपना पानी छोड़ चुकी है और गाजर भी अच्छी तरह नरम पड़ चुकी है। तो हम मजीद इसको 10 मिनट तक और बंद करेंगे ताकि गाजर अच्छी तरह और गल जाए। बिस्मिल्लाह। तो देखें, पानी गाजर का बिल्कुल खुश्क हो चुका है और गाजर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी सी नरम पड़ चुकी है। तो हम मजीद इसको इस तरह से आप हलाएंगे थोड़ी देर। और अब इसमें ऐड कर दें ये दूध से उतारी हुई होममेड मलाई। इस मलाई हलवे को बनाने के लिए इसको हम आराम से मिक्स कर देंगे और अब चम्मच हलाते जाएंगे और वेट करेंगे मलाई के खुश्क होने का। 1/2 टीस्पून आप इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दें और अब इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाएं। तो तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको पकाया और ये बिल्कुल तैयार होने वाला है। 5 से 6 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे और 1 कप इसमें आप इस कंडीशन में आके ये आप कद्दूकस किया हुआ नारियल ऐड कर दें। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर लें, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको और भूनेंगे और अब लास्ट पे आप इसमें 1 कप पनीर ऐड कर दें, इसको भी मिक्स कर दें। तो देखिए, गाजर का ये मलाई हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलें इसको उतार लेते हैं। तो देखिए, हमारा ये मलाई हलवा रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।